कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय 13 अवकल समीकरण। प्रश्न है ई रेस टू एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई रेस टू एक्स सेक स्क्वेयर वाई डी वाई बराबरी से शून्य, इसको अपने को हल करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो दी गई वैल्यू है ई रेस टू एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई रेस टू एक्स सेक स्क्वेयर वाई डी वाई बराबरी से राइट साइड इसको ट्रांसफर करेंगे क्या होगा ई रेस टू एक्स टेन वाई डी एक्स बराबरी से माइनस वन माइनस ई रेस टू एक्स सेक स्क्वेयर वाई डी वाई। वाई वाले पद को दाहिनी तरफ और एक्स वाले पद को हम कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड ले जाए, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा और ये राइट साइड आएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी ई रेस टू एक्स बटे वन माइनस क्या ई रेस टू वन माइनस ई रेस टू एक्स डी एक्स। मान लो ये जो माइनस साइन है हम इसमें ले आए बराबरी से, क्या है ये सेक स्क्वेयर वाई, सेक स्क्वेयर वाई बटे में आ जाएगा टेन वाई डी वाई। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस की वजह से इसको पहले इसको बाद में कर लेते, तो कंडीशन होगी आपके पास में कुछ इस प्रकार से ई रेस टू एक्स बटे ई रेस टू एक्स माइनस वन डी एक्स बराबरी से सेक स्क्वेयर वाई टेन वाई डी वाई। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको समीकरण के दोनों पक्षों का क्या इंटीग्रेशन करना है। उसके पहले हम कुछ वैल्यू को मान लेंगे, उन वैल्यू को दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से ई रेस टू एक्स बाय ई रेस टू एक्स माइनस वन डी एक्स बराबरी से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई। अब मान ले रहे हम क्या, माना कि ये जो बटे वाला पद है इसको टी के बराबर माना, ई रेस टू एक्स माइनस वन किसके बराबर टी के बराबर। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करने पर यह आएगा, इसका हम क्या डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसके डिफ्रेंसिएशन से कंडीशन मिलेगी क्या ई रेस टू एक्स डी एक्स बराबरी से dt, किसको टेन वाई को z मान लेंगे, माना कि क्या टेन वाई बराबरी से क्या है z है। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मिलेगा sec स्क्वायर वाई डी वाई बराबरी से dz। अब इससे ये जो कंडीशन बनी कुछ इस प्रकार से इंटीग्रेशन वन बाय टी डी टी बराबरी से इंटीग्रेशन क्या इसकी वैल्यू तो डी जेड वन बाय जेड डी जेड। वन बाय टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा लॉग टी, वन बाय जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, इसलिए जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको सी ना लिखते हुए क्या लिखेंगे लॉग सी, क्योंकि दोनों वैल्यू लॉग में आ रही है। इसलिए अब इसको हम जानते यदि हमारे पास इस तरीके से लॉग ऑफ एम हो प्लस लॉग ऑफ एन हो तो हम इसको क्या लिख सकते लॉग ऑफ एम इंटू एन मतलब जेड इंटू सी
दोनों को लिख सकते हैं। यहाँ बेस दिया नहीं है, मतलब यहाँ पर ई बेस है, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे लॉग टी बराबरी से, लॉग सी जेड। दोनों ओर से यदि हम लॉग को क्या करते, हटा देते, तो क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू सी जेड। अब हम किसकी, टी की भी वैल्यू को जानते और जेड की भी वैल्यू को जानते, तो इन दोनों की वैल्यू को जैसी रखेंगे तो हमारे पास माना जाएगा क्या, ई रेस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू सी इन टू टेन वाई। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर, धन्यवाद।